नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम लोग बनाने वाले हैं तुरई की सब्जी, वो भी चना दाल के साथ। तो मेरे यहाँ चना दाल के साथ तुरई की सब्जी जो है वो बहुत मज़े से बच्चे खाते हैं, तो मैं इसे बना लेती हूँ। बिल्कुल ताज़ी सी मेरी तुरई थी, तो आप इसे निनुआ भी जानते होंगे, इसके कई नाम हैं, तो मुझे तुरई निनुआ यही सब पता है। तो मैंने सोचा आपके साथ फिर से बनाई जाए इसे। तो ये है तुरई, जिसको मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे छिल दिया है। तो इसका छिलना बहुत ज़रूरी है, इसका बाहर वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ी सी सख्त लगती है मुझे, तो मैं इसे अच्छे से छिल देती हूँ। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, मेरा ये छिलने के बाद तुरई जो है वो कितनी अच्छी सी लग रही है। तो ये तकरीबन मेरी 1 kg जो है वो है तुरई, और इस तरीके से इसे मैं गोल गोल ही काट लूँगी। आप जैसे चाहें वैसे मन में इसे काट सकते हैं, आप इसके पतले पतले लंबे लंबे भी स्लाइस बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे आज गोल गोल ही काटूँगी, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। चने दाल के साथ गोल वाली जो ये तुरई करती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो इस तरीके से मैंने सारी तुरई को काट लिए हैं, और ये हमारी बिल्कुल तुरई जो है वो कट के बिल्कुल रेडी है। तो देखिए कितने अच्छे से, बहुत मोटे से स्लाइस नहीं काटे हैं, बहुत पतले भी नहीं काटे हैं मैंने, अच्छे से इसकी बस बारीकी से चॉप कर लिया है इसे। तो मैं, मुझे ये गोल गोल कटा हुआ तुरई जो है चने दाल के साथ बहुत अच्छा लगता है। और मैंने 3 प्याज जो है वो बड़े प्याज थे, तो 3 प्याज मैंने काट लिए हैं। तो कम्बिनेशन इसमें प्याज का बहुत अच्छा होता है, प्याज तुरई में बहुत अच्छा जाता है, इसलिए मैंने 3 डाले हैं। और मैंने लिए हैं 3 टमाटर हैं, 3 हरी मिर्च हैं, थोड़ी सी लहसुन की कलियां हैं, और है अदरक। इसका मैं बना लूँगी बारीक सा पेस्ट। तो मैं मसाले में टमाटर हमेशा अधिकतर बार में कोशिश करती हूँ कि पीस कर ही डाला जाए, ताकि ये बिल्कुल जो बच्चे होते हैं ना वो मेरे यहाँ निकाल देते हैं टमाटर, तो मैं अपनी चराकी लगाती हूँ और टमाटर को पीस देती हूँ। तो इस तरीके से टमाटर हमारे पीस जाएंगे, तो बहुत अच्छे से मैं इस तरीके से इसे सारे को एक ग्राइंडर जार में डालूंगी और अच्छे से इसका महीन सा पेस्ट बना लूंगी। तो मेरे मसाले मैं अधिकतर बार में ऐसे ही कोशिश करती हूँ। तो हमारे पेस्ट जो हैं टमाटर वाले बिल्कुल रेडी हो गए हैं, तो इसमें ही मैं डाल लेती हूँ अब मसाले। तो मसालों का इस समय ही मैं डालती हूँ, ताकि ये फूल के बिल्कुल अच्छे से रेडी रहे। तो मैंने डाली हल्दी, धनिया 1 चम्मच धनिया डाली है, आधी चम्मच हल्दी डाली है, और मैंने आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली है, और डाली है थोड़ा सा आधा चम्मच जैसा मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर। और इस तरीके से इसे मैं सोख होने देती हूँ, तब तक मैं चढ़ा लेती हूँ कढ़ाई। चढ़ाया है मैंने गैस के ऊपर, और इसमें डाली है तेल। जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाए, तो इसमें मैं डालूँगी जो जीरा होता है वो, तो आधा चम्मच जैसा जीरा इस सब्जी के अंदर हमारा अच्छा सा टेस्ट देता है जो दोस्तों। तो इस तरीके से मैं इसमें जीरा डाल दूंगी, और डाल दूंगी साथ ही ये जो प्याज मैंने काट के रखी थी उनको, और इसे हमें अच्छी तरीके से भूनना है। तो जब हम इसे अच्छी तरीके से प्याज को भूनते हैं, तो ये बहुत अच्छा सा कलर लेकर आते हैं सब्जी के अंदर, इनका कलर जो होता है वो बहुत अच्छा सा लेकर आते हैं। तो इस तरीके से मैं प्याज में ही डाल देती हूँ नमक, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जो है मैं इसमें डाल देती हूँ। तो हमेशा दोस्तों ये याद रखें कि तुरई की सब्जी बनाते समय कि तुरई जो है वो गलती है, तो उसके हिसाब से ही आप सब्जी में नमक का अंदाज रखें, नहीं तो हो सकता है कि नमक ज़्यादा तेज़ हो जाए। इसलिए गलने का अंदाज रख के आप इसलिए डालें, तो बहुत अच्छे से बन के तैयार होता है। तो मेरी प्याज जो है बिल्कुल हो चुकी है, अच्छी वाली कलर आई है इसकी गोल्डन। तो मैंने इसमें डाल दिए सारे मसाले जो हमने सोख करके रखे थे, वो सारे मसाले इसके अंदर डाल दिए, और इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो मसालों का भूनना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, ताकि ये अपना टेक्सचर, कलर और स्वाद लेकर आए। तो इस तरीके से हमारे मसाले जो हैं बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं, तो मुझे बहुत अच्छे से लग रहे हैं। तो मैं इस स्टेज पर अब डाल दूँगी अपने जो हमने चना दाल भिगो कर रखा हुआ था। तो आप इसे चाहे तो 3 से 4 घंटे भिगो के छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि इन सब चीज़ों के लिए जो चना दाल या चना मैं डालती हूँ कभी भी, तो ओवरनाइट ही सोख करना पसंद करती हूँ। और देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं।
दाल आप चाहे तो 2-3 घंटे में भी अच्छे से फूल जाते हैं, लेकिन मैं ओवरनाइट ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो इस तरीके से मेरे दाल जो है बहुत अच्छे से सोख गए थे, तो मैंने इसे डाल दिया मसालों के अंदर और इसको मैं 1 से 1.5 मिनट भून लूँगी। तो इसको जब मैं भूनूँगी तो ये बहुत अच्छा सा हो जाएगा। और इसमें मैं अब इस स्टेज पे डाल दूँगी जो हमारी तुरई जो काट के रखा था मैंने वो। तो तुरई को जब हम इसमें डालेंगे ना दोस्तों, तो अच्छे से उलट के पलट के अच्छी तरीके से इसे हम लोग चलाएंगे। मसाले हम लोगों ने डाल दिए हैं, नमक डाल दिए हैं, तो हमें इसमें और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और इस तरीके से सब्ज़ी जो है हमारी बिल्कुल अच्छे से भुन चुकी है। इसे मैंने अच्छे से भून लिया है 1 से 1.5 मिनट और इसे अब हम लोग ढक देंगे। इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, हमारी तुरई जो है वो बिल्कुल ताज़ी थी तो मैंने इसे पानी बिल्कुल नहीं डाला है। और इस तरीके से गैस को कर दीजिए थोड़ा सा लो, बिल्कुल लो जैसा। तो ये थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि तुरई के अंदर बहुत सारा पानी अपने आप छूट गया है। तो ये सब्ज़ी का खुद का पानी है दोस्तों, और इस पानी में अगर तुरई पकती है ना तो बहुत अच्छा सा स्वाद देती है। अगर आपके पास बिल्कुल ताज़ी तुरई ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। तो मेरी तुरई ताज़ी थी इसलिए मैंने पानी नहीं डाले हैं, लेकिन आप अगर नहीं हो ताज़ी तो आप उसमें थोड़ी सी पानी डाल दीजिए और बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक दीजिए, आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी। और लास्ट में मैंने थोड़ी सी हरी धनिया डाल दी है इसमें और ये बहुत अच्छा सा कलर लेकर आता है। हरा धनिया जो है बहुत अच्छे से कलर लेकर आता है। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए हमारी तुरई की सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल रेडी, कितनी अच्छी सी लग रही है। और बिल्कुल हमें पानी बिल्कुल ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, सुखाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ी सी गीली गीली सी ये सब्ज़ी रहेगी और बहुत अच्छी सी लग के आपको लगने वाली है ये सब्ज़ी। मैं आपको याद दिला दूँ दोस्तों कि मेरे चैनल पे बहुत सारी सब्ज़ी और अचार की वीडियोस हैं, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से थाली में जाने के बाद ये बहुत अच्छी सी लगती है। और मौसम है आम का तो चटनी भी है, अच्छी खासी चटनी है। तो इस तरीके से आप खाइए, बनाइए ये तुरई की चने दाल की सब्ज़ी और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू।